राजन शाही का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा से नहीं होगी इस एक्टर की एंट्री। फाइनली अनुपमा के सबसे फेवरेट कैरेक्टर अनुज कापड़िया ने तोड़ी चुप्पी, बताई वो तीन बड़े राज जिसके चलते लीप के बाद भी करेंगे शो को कंटिन्यू। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों अनुपमा शो में 15 साल का लीप आने वाला है, जहां पर दर्जनों एक्टर्स जो हैं वो अब शो को क्विट कर रहे हैं या फिर मेकर्स शो में अपने कैरेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए बड़ा बदलाव कर रहे हैं। लेकिन अब राजन शाही के शो में 15 साल के लीप के बाद भी अनुज कापड़िया को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस था कि क्या वाकई गौरव खन्ना शो को क्विट कर रहे हैं, क्या रूपाली गांगुली शो को क्विट कर रही हैं। तो अब अनुज कापड़िया ने खुद ब खुद रिवील कर दिया है कि क्या वो बड़ी वजह है जिसके चलते अनुपमा शो से फिलहाल के लिए अनुज क्विट नहीं करने वाले हैं। अनुज कापड़िया ने बताया रीज़न नंबर वन, अनुपमा शो में 15 साल की लीप के बाद जिस तरीके से क्रेज देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है अगर इस शो की TRP है, अगर शो का कोई जान है तो वो है मान, अनुपमा और अनुज कापड़िया की केमिस्ट्री। अनुज कापड़िया और अनुपमा की जो केमिस्ट्री है उसे फैंस इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मानो उनके साथ एक अच्छा और घर जैसा रिलेशन बन गया है। अब अनुज कापड़िया ने कहा कि जब आप किसी शो में अपना 100% देते हो तो उसका रिजल्ट आता है और आता ही है। डेफिनेटली जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा। मैंने अपना 100% दिया है और फैंस और जनता भी मुझे उतना ही प्यार करती हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और अगर आपको इतना प्यार मिलता है तो जाहिर सी बात है कि मुझे पूरी टीम मिली है, इतनी अच्छी टीम मिली है, अनुपमा जैसी, राजन शाही जैसे, रूपाली गांगुली जैसे दोस्त मिले हैं, तो इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर मेकर्स का डिसीजन यही है तो मैं बिल्कुल शो को कंटिन्यू करूँगा और मैं अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करता हूँ राजन शाही के साथ, रूपाली गांगुली के साथ काम करके। दूसरा मेजर रीज़न बताया है गौरव खन्ना ने जिसके चलते अनुपमा शो से नहीं ले रहे हैं एग्जिट। गौरव खन्ना ने कहा कि जब ये बातें समझ आई थी, जब रूमर्स सामने आया था, तब भी मैंने ये बात क्लियर किया था कि इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। मैंने कभी भी अनुपमा शो को क्विट करने की बात नहीं की, ये एक्टर का डिसीजन नहीं होता है, ये प्रोड्यूसर्स का डिसीजन होता है, चैनल का डिसीजन होता है, स्टोरी पर डिपेंड करता है। अगर स्टोरी में अगर मुझे रखा जाएगा, अगर राजन शाही चाहते होंगे कि मैं इस शो में कंटिन्यू करूँ तो डेफिनेटली मैं करूँगा, लेकिन अगर स्टोरी की डिमांड नहीं होगी देन कोई भी एक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है गौरव खन्ना ने अपने फैंस को स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मैसेज दिया है कि किसी भी तरह से राजन शाही को ट्रोल ना किया जाए, रोस्ट ना किया जाए, जिस तरीके से चाहे वो रूपाली गांगुली के साथ हो, सुधांशु पांडे के साथ हो या फिर किसी भी एक्टर्स के साथ बुरा व्यवहार करने के बाद जनता जो है वो राजन शाही से नाराज़ हो जाती है। अब यही वो बड़ी वजह है कि गौरव खन्ना ने बताया कि कई बार जो डिसीजन है उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई शो शुरू हुआ है तो उसका अंत होगा और अंत होने पर आपको उतना ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट ही भूल जाओ। गौरव खन्ना ने बताया ये तीसरा बड़ा रीज़न जिसके चलते अनुपमा में लीप के बाद भी करेंगे रूपाली के साथ रोमांस। दरअसल मान की केमिस्ट्री को इतना पसंद किया जाता है कि राजन शाही ने फैसला लिया है कि मान को वो अलग नहीं करने वाले हैं, मान जो हैं वो वैसे ही रहेंगे लेकिन इनके कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलेगा। अनुज कापड़िया ने कहा कि भले ही मैं इस शो को क्विट नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको एक मेरा नया रूप, मेरा एक नया अंदाज देखने को मिलने वाला है जो मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। जाहिर सी बात है कि अब फैंस जो है वो अनुपमा में लीप के बाद देखना चाहते हैं मान की केमिस्ट्री एक नए अंदाज में, एक नए रूप में। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या ये जो डिसीजन है राजन शाही का, अनुज कापड़िया का, ये फेयर है या फिर आपको लगता है कि अनुज को फिलहाल के लिए अनुपमा शो से एग्जिट ले लेना चाहिए। जिस तरीके से अनुपमा शो को लगातार एक्टर्स क्विट कर रहे हैं, अब अनुपमा को, अनुज कापड़िया को भी शो से क्विट कर देना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।